अगर आप हो गए हों रोज़ की सब्ज़ी से बोर तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। हम बना रहे हैं छोटी छोटी प्याज की सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत टेस्ट लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की सब्ज़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैं चूल्हा जला रही हूँ। और ये प्याज है, इंग्रेडिएंट है टमाटर, मैंने जिसको पीस लिया है, और इसमें हरी मिर्च है, लहसुन है, और इधर हमारी आँच जल चुकी है चूल्हे में। और अब हम यहाँ पे कढ़ाई रख देंगे और अपनी प्याज की रेसिपी बनाने के लिए रेडी हैं। और ये हमारी कढ़ाई अब थोड़ी गर्म हो चुकी है और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, जो कि मैं यहाँ पे डालूँगी 1 से 1.5 करछी। यहाँ मैं करछी से नहीं डाल रही, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन 1 से 1.5 करछी ऑयल है इसके अंदर। और ये मैंने जीरा डाल दिया है और जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। और ये मेरा बेटा आया है चीज़ देने के लिए कि मम्मा खा लो। और अब मैं यहाँ पे लहसुन डालूँगी और लहसुन को भी अच्छे से गोल्डन कलर तक भूनेंगे। टमाटर का जो पेस्ट है मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। इधर हमारा लहसुन गोल्डन कलर का हो चुका है और ये इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। और अब हम इसमें ये सारा पेस्ट डाल देंगे। और इसको अच्छे से चलाएंगे। और ये देखिए प्याज हैं, जो कि छोटी छोटी प्याज ली हुई है हमने, और इनको हम बीच से काट देंगे। सभी प्याज को ऐसे ही काटेंगे, 2 बार काटेंगे, एक बार इस तरीके से लंबी और एक बार इस तरीके से। और ये हम अब इसको देखेंगे कि हमारी मसाला जो अच्छे से हुआ है नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, काफ़ी अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें दही डालेंगे, दही से जो कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और इस मसाले का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे और तेज़ आंच पे बनाएंगे, ताकि ये हमारी दही इसमें फट ना जाए। ये हारे में दूध रखा हुआ है, आप चाहें अगर घी की वीडियो के लिए आप बोलें तो हम ज़रूर आपको वीडियो देंगे घी बनाने की। और इसमें अब मैं मसाले के अंदर नमक डालूँगी और इसको अच्छे से मिला दूँगी और मसाले को और भी अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए मसाला हमारा जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। और प्याज को मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। अभी आंच थोड़ी तेज़ है, लेकिन इसको मैं अच्छे से मिलाने के बाद आंच धीमी कर दूंगी। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप वहाँ पे भी धीमी आंच करके बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और इसको हम 2-2 मिनट बाद चेक करते रहेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है कढ़ाई में ना लगे। ये देखिए 2 मिनट बाद मैं इसको अब चेक कर रही हूँ कि हमारा जो मसाला है वो कढ़ाई में नहीं लगा हो। वैसे हल्का सा मसाला हमारा लग गया है, और ये मैं अब इसको अच्छे से चला दूँगी और हमारी जो प्याज है वो हल्की हल्की सी गल गई हैं। और इसको हम 2 मिनट के लिए और रख देंगे धीमी आँच पर। और इधर मैं आटा लगा रही हूँ, जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ।
ये देखिए हमारी प्याज जो है कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इस रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। वैसे भी आजकल मार्केट में छोटी छोटी प्याजें अच्छे से मिलती हैं और ये इसमें मैं अब हरा धनिया डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिला दूँगी। ये देखिए हरा धनिया मिल गया है और सब्ज़ी का कलर बहुत प्यारा है, अच्छी लग रही है और देखने में भी आपको भी अच्छी लगेगी और आपका मन करेगा कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और ये हमारी प्याज की रेसिपी बनके तैयार है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी देर में ही ये सब्ज़ी बन जाती है। काटने से लेके बनाने तक 15 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करना और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।